भारतवासी मूल निवासी 85 के लोगों को बहुत बहुत नमो बुद्धाय। जय भीम। आप लोगों के द्वारा मेरे भीम मिशन गीतों को बहुत बहुत सराहा गया, इसके लिए मैं सदैव आप लोगों का आभारी रहूंगा। और यह गीत मैं जो भेज रहा हूँ, इसे भी सुनकर आप लोग कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। सुनिए। अरे भीम के सुन लो शेरे सिपाही, अरे भीम के सुन लो शेरे सिपाही, संविधान को बचाना पड़ेगा। संविधान खतरे में है, इसलिए कहना है कि आए मेरे मूल निवासियों, आए मेरे भारतवासियों, आप लोगों से अपील है, प्रार्थना है, क्या कि भीम के सुन लो शेरे सिपाही, भीम के सुन लो शेरे सिपाही, संविधान को बचाना पड़ेगा। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, कदम पीछे नहीं हटेगा। कहते हैं कि बिजलियों के साख पे जो बनाते हैं आसियाना, अरे बिजलियों के साख पे जो बनाते हैं आसियाना, उसी का है दुनिया, उसी का है जमाना मत। अरे जंग की गर जरूरत पड़ी तो, जंग की गर जरूरत पड़ी तो, उधम बन करके आना पड़ेगा। जंग की गर जरूरत पड़ी तो, और क्या कहना है? संविधान जलाने वालों के लिए कहना है क्या कि संविधान को जुल्मी जलाए, संविधान को जुल्मी जलाए, उन्हें कुछ भी शर्म नहीं आए। अरे उन्हें कुछ भी शर्म नहीं आए। कहना है कि राष्ट्रपति भवन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और लोकसभा से 1 किलोमीटर की दूरी पर भारत का संविधान जला दिया गया, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। इसलिए संविधान जलाने वालों के लिए चैलेंज है, ललकार है, क्या संविधान को जुल्मी जलाए, उन्हें कुछ भी शर्म नहीं आए। संविधान को जुल्मी जलाए, उन्हें कुछ भी शर्म नहीं आए। अरे देश के ऐसे दुश्मन को बहुजन, देश के ऐसे दुश्मन को बहुजन, देश से ही भगाना पड़ेगा। देश के ऐसे दुश्मन
अधिकार नहीं है। और क्या कहना है कि संविधान की अधिया उड़ाते संविधान की अधिया उड़ाते संसद में मेरे मंत्री उठाते। देखे संविधान की वो धज्जियां उड़ाते क्यों कहा गया? भारत का संविधान लिखने वाले भारत रत्न बोलचंद बाबा साहब 32 डिग्रियां 29 नौ भाषाओं के ज्ञाता थे, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और आठवीं फेल कर दे उसमें कमियां निकाल रहे हैं। इसलिए कहना है कि संविधान की वो धज्जियां उड़ाते संसद में मेरे मंत्री उड़ाते। तो स्वार्थ में क्यों भूले भाई मेरे, अरे स्वार्थ में क्यों भूले भाई मेरे, कर्ज भीम का चुकाना पड़ेगा। स्वार्थ में क्यों भूले भूखे प्यासे रहकर अपना पूरा परिवार खोकर इस कारवां को यहाँ तक पहुँचाया है। आज कुर्सी मिल गई तो उनके बलिदान को लोग भूल जाते हैं। अरे मेरे भाई आज संकल्प लेना पड़ेगा क्या कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मिलके करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, मिलके करेंगे पूरा। तो स्वार्थ में क्यों भूले भाई मेरे, स्वार्थ में क्यों भूले भाई मेरे, कर्ज भीम का चुकाना पड़ेगा। और सुनिए, बहुत बड़े बड़े मंचों पर लोग बोलते रहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान, जबकि हिंदुस्तान नहीं है। उनके लिए कहना है, सुन लो, गौतम बुद्ध की धारा है ये भारत, गौतम बुद्ध की धारा है ये भारत। अरे जहां जहां खुदाई करोगे, जहां जहां खुदाई करोगे वहां बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। इसीलिए कहना है गौतम बुद्ध की धारा है ये भारत, मेरा भारत है भारत रहेगा। अरे हिंदुस्तान नहीं है यहाँ कोई, हिंदुस्तान नहीं है यहाँ कोई, तुम्हें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान नहीं है हिंदुस्तान बोलने वालों, सुन लो, अरे ये गौतम बुद्ध का भारत है, ये सम्राट अशोक का भारत है, ये संत कबीर साहब का भारत है, ये साहू जी महाराज का भारत है, ये ईवी रामास्वामी पेरियार का भारत है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का भारत है। नॉट हिंदुस्तान, ओनली इंडिया इज द भारत, भारत इज द इंडिया। यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? इसीलिए कहना है कि गौतम बुद्ध की धारा है ये भारत, गौतम बुद्ध की धारा है ये भारत, तुम्हें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान नहीं है यहाँ कोई, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा।
ही नहीं गौर करेंगे मेरे भाई बहनों बच्चासी के लोगों बाबा साहब ये समझ गए थे कि आगे चल करके ब्राह्मणवादी लोग इस देश का नाम हिंदुस्तान कर सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान के कालम 395(1) के अनुसार अनुवाद किया, क्या इंडिया इज द भारत ओनली नॉट हिंदुस्तान, समझ में आया? इसीलिए कहना है आखिरी लाइन में चेतावनी देते हुए आप बहुजनों को, क्या आओ मिल कर करो क्रांति बहुजन, आओ मिल कर करो क्रांति बहुजन। अरे जुल्म सहना भी है जुल्म रंजन, जुल्म सहना भी है जुल्म रंजन। अरे कब तक जुल्म सहते रहोगे मेरे भाई और बहनों पच्चासी के लोगों मूल निवासी, अब भी सुधर जाओ, कहना है आओ मिल कर करो क्रांति बहुजन। जुल्म सहना भी है जुल्म रंजन, अरे मास्टर की अपने हाथों में लेकर, मास्टर की अपने हाथों में लेकर ये धरो हर बचाना पड़ेगा, मास्टर की अपने हाथों में लेकर ये धरो हर बचाना पड़ेगा। अरे बाबा साहब ने कहा था कि राज उनका होगा जिनका समाज संगठित होगा, राज उनका होगा जिनका समाज संगठित होगा। इसलिए अपने देश की महापुरुषों की धरोहर को बचाने के लिए सभी मूल निवासियों को संगठित होकर सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे ही आस्था के नाम पे लोग लूटते रहेंगे और संविधान की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। इसलिए आखिरी में कहना है मास्टर की अपने हाथों में लेकर, मास्टर की अपने हाथों में लेकर अरे ये धरोहर बचाना पड़ेगा, मास्टर की अपने हाथों में लेकर ये धरोहर बचाना पड़ेगा। संविधान को बचाना पड़ेगा।